नमस्कार। जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइशन ये नई एडवांस टेक्नोलॉजी है जो घुटनों के दर्द को ये दूर करती है। और ये जो जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइशन करते हैं उसमें कई सारे पेशेंट पूछते हैं कि ये प्रोसीजर होती कैसे है, तो आज हम देखते हैं कि वो ये प्रोसीजर हम कैसे करते हैं। तो जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइशन में सबसे पहले हम ये फीमोरल एंजियोग्राफी करते हैं, और फीमोरल एंजियोग्राफी में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तो इतनी सारी जो ब्लड वेसल्स हैं ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स इस रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। सो ये सारी जो ब्लड वेसल्स जो दिख रही हैं आपको, ये सारी की सारी जो ब्लड वेसल्स जो वो नी जॉइंट को सप्लाई नहीं करती है, ये सारी मस्कुलर ब्रांचेस है। सो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी ब्लड वेसल्स घुटनों को ब्लड सप्लाई करती है। सो फॉर दैट वी डू द सिलेक्टिव एंजियोग्राफी, और पर्टिकुलरली 6 जेनिकुलर आर्टरी ऐसी होती है जो नी जॉइंट को ब्लड सप्लाई करती है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी डू द सिलेक्टिव एंजियोग्राफी। अभी हमने ये सिलेक्टिव एंजियोग्राफी की है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये पर्टिकुलरली इन्फेरोलेटरल जेनिकुलर आर्टरी को हमने कैनुलेट किया है, और यहाँ से जो ये जो कॉन्ट्रास्ट डालते हैं तो हमको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे ये ब्लड जा रहा है। अभी ये रीजन में जो आपको ये ब्लैक कलर का जो काला सा धब्बा दिख रहा है, दिस इज़ अ रीजन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यहीं से पेन होता है और यहीं से साइटोकाइंस रिलीज होता है। सो फर्स्ट हमने ये सिलेक्टिव एंजियोग्राफी करके हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो खून की नली में कोई काले धब्बे है कि नहीं है जो साइटोकाइंस रिलीज करती साइट से है। सो ऐसे ही हम हर एक आर्टरी को सिलेक्टिव एंजियोग्राफी करके हम डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से रीजन में ये साइटोकाइंस रिलीजिंग साइट्स हैं, और उसके बाद हम उसको ये छोटे पार्टिकल डाल के उसको एम्बोलाइज करते हैं। आओ मैं दिखाता हूँ कि ये पार्टिकल्स कैसे डालते हैं। सो आप जो देख रहे हैं ये घुटनों का जो ये नी जॉइंट है, और यहाँ पे हमने सिलेक्टिव एक कैन्युलेट किया हुआ है, और यहाँ से जो आपको ये ब्लैक कलर दिख रहा है वहाँ से हम ये कॉन्ट्रास्ट के साथ मिक्स करके ये स्मॉल पार्टिकल्स इंजेक्ट कर रहे हैं, जिसकी जो ये पार्टिकल्स वहाँ पे जो आपने काले धब्बे दिखे वो जो न्यू वास्कुलेशन का एरिया है वहाँ पे जाते हैं और साइटोकाइंस की रिलीज वो वहाँ पे अटका देते हैं। और उसके बाद ये कैसा दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। से पोस्ट एम्बोलाइशन की एंजियोग्राफी है, और उसमें देखते हैं कि हमने जो इन्फेरोलेटरल जेनिकुलर आर्टरी में हमने जो कॉन्ट्रास्ट डाला था और देखे थे कि कई सारी साइटोकाइंस रिलीजिंग साइट्स थी, सो वो अभी हमको नहीं दिख रही है। वो जो काले धब्बे जैसा दिख रहा था ये पूरे रीजन में वो नहीं दिख रहा है। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टॉप दिस साइटोकाइंस रिलीज फॉर जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइशन। और जैसे ही हम ये साइटोकाइंस रिलीज अटकाते हैं वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रोसेस अंदर घुटनों में बंद हो जाती है, और पेशेंट का जो दर्द है वो भी काफ़ी चला जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस सिर्फ एक सुई की मदद से होती है और पेशेंट तुरंत ही चलने लगता है। सो हमने देखा कि जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइशन कैसे करते हैं। ये एक्चुअली जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं ऐसे घुटनों की एंजियोग्राफी करके वी आइडेंटिफाई द साइट्स के जहाँ से साइटोकाइंस रिलीज होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस वहाँ पे कंटिन्यूस रहती है, और वो इजीली एंजियोग्राफी में हमको पता चल जाता है, और वहाँ पे हम ये स्मॉल पार्टिकल्स डाल के उसको एम्बोलाइज करते हैं जिससे वो साइटोकाइंस की रिलीज वहाँ पे स्टॉप हो जाए। और जैसे ही साइटोकाइंस की रिलीज वहाँ पे स्टॉप होती है उससे पेशेंट का दर्द भी चला जाता है, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रोसेस है गादी घिसने की प्रोसेस है वो वहीं पर रुक जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो रूट कॉज है, हम किसी भी रोग की जो सारवार करते हैं तो हम ये प्रयत्न करते हैं कि उसका जो मेन रूट कॉज है उसको एलिमिनेट किया जाए। तो यहाँ पे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रोसेस जो है वही जो रुक जाती है, तो रूट कॉज ही एलिमिनेट हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग कि ये जो प्रोसीजर करते हैं सिर्फ नीडल पंचर से होती है, कोई भी कट या कोई भी टाँका सूचर कुछ भी नहीं आता है, और पेशेंट कैन वॉक विद इन अ फ्यू आवर्स। सो दिस इज़ वेरी एडवांस टेक्निक। और पूरी की पूरी प्रोसीजर जो होती है वो अंडर ऑब्जर्वेशन होती है कि हमारा कौन सी जगह पे हम ये पार्टिकल्स डालते हैं वो हमारे कंट्रोल में रहती है। सो इज़ वेरी गुड एंड सुपर रिजल्ट्स, एंड दिस इज़ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर। सो होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड इट कि हाउ वी डू द प्रोसीजर फॉर जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइशन।
दिस वेरी एडवांस टेक्निक।